बीच में प्याज, टमाटर, नमक, हरा धनिया, लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला सब चीज़ डाल दिए। आज मैं बना आपके साथ अपनी चने की दाल और घिया की रेसिपी शेयर करूँगी। प्याज और टमाटर तकरीबन भून के अब इसमें चने की दाल और घिया डालूँगी। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसको 2 से 3 सीटी आने तक पकाएंगे। ये चने की दाल और घिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है। हमारे घर में इसे सब बड़े चाव से खाते हैं। इसमें अब 2 या 3 सीटी आएंगी, उसके बाद ही पकाएंगे। ऊपर में सीटी आने के साथ साथ मैं अपनी रोटियां भी बना रही हूँ, क्योंकि डिनर टाइम हो चुका है। दाल भी बन जाएगी साथ साथ रोटी भी। ये देखिए इस वीडियो का